की सबसे बड़ी अपडेट जो निकल के आ रही है नवोदय विद्यालय कक्षा छह के रिजल्ट को लेकर है। बच्चों मैं इतना खुश होकर क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि नवोदय विद्यालय सिमदी ने आप सभी का ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है। मैं नोटिफिकेशन भी दिखाऊंगा, जो नोटिफिकेशन आया है जवाहर नवोदय विद्यालय सिमदी की तरफ से, देख लीजिए। जवाहर नवोदय विद्यालय सिमदी की तरफ से ये नोटिफिकेशन आया है बच्चों। इसमें लिखा है कि आप सभी का जो रिजल्ट है कब आने वाला है बच्चों, 11 अगस्त के पेपर का रिजल्ट कब आने वाला है बच्चों। खुशखबरी लेकर आज कहूँ आप सभी के लिए, जब मैं ही इतना खुश हूँ तो आप इस खुशखबरी को देख के कितना खुश होने वाले हैं बच्चों। इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। आज के वीडियो में नवोदय के टीचर ने हमको एक नोटिफिकेशन भेजा है, जिसमें उन्होंने बताया कि नवोदय विद्यालय 11 अगस्त के पेपर का रिजल्ट बच्चों कब जारी होने वाला है बच्चों। आप सभी को नोटिफिकेशन दिखा देते हैं, उससे पहले हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर आपने नहीं किया तो बच्चों जान लीजिए मेरे नाम तो बच्चों जान लीजिए अब की बार जो नवोदय विद्यालय तो बच्चों सबसे पहले जान लीजिए अब की बार जो नवोदय विद्यालय का रिजल्ट जारी हुआ है बच्चों, वो दो पारियों में रिजल्ट जारी होने वाला है। दो पारी कैसे, एक तो 11 अगस्त के पेपर का रिजल्ट जारी होगा, एक होगा 26 सितंबर के पेपर का रिजल्ट। तो बच्चों ये उस नोटिफिकेशन में दिया गया है, नोटिफिकेशन भी आपको दिखाऊंगा किस तरह का नोटिफिकेशन है और ये कब आया था हमारे पास, ठीक है बच्चों। इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से ये नोटिफिकेशन हमको भेजा गया है। इस नोटिफिकेशन को आपको पूरा पढ़ के दिखाऊंगा क्या बोला है उन्होंने नवोदय विद्यालय 11 अगस्त के रिजल्ट को लेकर। दोस्तों उन्होंने नवोदय विद्यालय 11 अगस्त के रिजल्ट को लेकर बोला है कि आप सभी का जो रिजल्ट है 25 सितंबर तक जारी हो जाएगा। अब 25 सितंबर तक उन्होंने कंफर्म कर दिया है, मैं उस नोटिफिकेशन में भी जाकर दिखाऊंगा। उससे पहले आपको यहां प्रूफ दिखा देता हूं, उन्होंने बोला था एक प्रूफ बच्चों को दिखा देना ताकि बच्चों को यकीन हो जाए। बच्चों यहां पे देख लीजिए, मैं नवोदय विद्यालय की समिति की अभी ऑफिशियल वेबसाइट पे हूं बच्चों। खुशखबरी है, इस अपडेट को जानने के बाद आप खुश हो जाएंगे, इतने ज्यादा खुश हो जाएंगे कुछ पूछो ही मत, ठीक है, क्योंकि मैं ही इतना ज्यादा खुश हो रहा हूँ आप सभी के ये रिजल्ट को बताते हुए, ठीक है बच्चों। हालांकि अभी तक रिजल्ट जारी नहीं हुआ है नवोदय विद्यालय कक्षा छः का, अब रिजल्ट की जो कंफर्म डेट है वो आ चुकी है। नवोदय विद्यालय सिमदी ने अभी अभी आप सभी की जो कक्षा छः 11 अगस्त को पेपर हुआ था उसकी जो कंफर्म रिजल्ट डेट है बच्चों बता दी गई है नोटिफिकेशन के माध्यम से। ये हमारे पास जो ये आया है, ठीक है, ये कहाँ से आया था, मैंने किया था मेल नवोदय विद्यालय सिमदी को। अब ये जो है जो नवोदय विद्यालय सिमदी की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी अनाउंस होने वाला है बहुत ही जल्दी ऑफिशियल, क्योंकि सभी टीचर को सभी ऑल इंडिया के डिस्ट्रिक्ट में सबको सभी बच्चों को पता होना चाहिए। तो ये भी दिखाऊंगा नोटिफिकेशन, उससे पहले बात कर लेते हैं जो नवोदय विद्यालय सिमदी का जो रिजल्ट है बच्चों दो पारियों में अभी की बार घोषित होने वाला है। मैंने पहले ही बना दिया था 11 अगस्त को रिजल्ट होने, 11 अगस्त के पेपर का रिजल्ट जारी होगा, उसके बाद होगा 26 सितंबर के पेपर का रिजल्ट। मैं अब आपको बताऊंगा एक न्यू ऐप के बारे में जो स्टूडेंट में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होती जा रही है। चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, या फिर कोई भी कॉन्सेप्ट ना समझ आया हो बोर्ड्स या फिर जेईई नीट, पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आ रही हो उसका सोल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट को किसी भी समय क्लियर करें इन दिस ईजी स्टेप। सबसे पहले इस ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर में से डाउनलोड कर लें, अपने फ़ोन नंबर से ईजिली साइनअप कर लें, अपने क्वेश्चन का पिक्चर लें या फिर उसे टाइप करके सबमिट करें और फिलो ऐप आपको 60 सेकंड में इंडिया के टॉप एक्सपर्ट लाइव कॉल पे कनेक्ट कर देगा। आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है, अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट। इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवेन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो आप बताइए। नो सर, थैंक यू। सो गाइस इट्स दैट सिंपल, हैव एनी क्वेश्चन जस्ट आस्क फिलो ऐप। इस ऐप का डाउनलोड लिंक और मेरा जो रेफर कोड है उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मेरा रेफर कोड है आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, यूज़ करना ना भूलिएगा। सितंबर के पेपर का रिजल्ट किसका होगा, 26 सितंबर के पेपर का रिजल्ट जारी होगा, ठीक है, ये तो डाउट हमारा क्लियर होगा। आप जान लेते हैं नोटिफिकेशन में क्या आया है बच्चों। नोटिफिकेशन में नवोदय विद्यालय के जो उन्होंने बताया कि अब की बार जो 11 अगस्त के पेपर का रिजल्ट आने वाला है बच्चों, वो आने वाला है 25 सितंबर को। अब 25 सितंबर से 21 से लेकर 25 सितंबर के बीच आप सभी का रिजल्ट कभी भी आ सकता है, ठीक है, कभी भी आ सकता है, ये ऑफिशियली अपडेट है बच्चों। मैं नोटिफिकेशन भी दिखाऊंगा जो नवोदय विद्यालय के टीचर ने हमको भेजा गया है। उससे पहले एक और आपको अपडेट दिखा देता हूं, जो कि नवोदय उन्होंने बोला था कि बच्चों को ये दिखा देना उनको ट्रस्ट हो जाएगा, ठीक है, तो मैं उस नोटिफिकेशन को भी दिखाऊंगा, उसी के साथ साथ आप इसको देख लीजिए, ठीक है। अभी देखिएगा यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ सेकंड नंबर पे आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे लिखा है कि यहाँ पे बच्चों इसका मतलब क्या है मैं आपको बता देता हूँ बच्चों। आप सभी को पता है कि 11 अगस्त को सभी बच्चों को ऑल इंडिया में 11 अगस्त को नवोदय विद्यालय कक्षा 6 का पेपर हो गया था, पर मध्य प्रदेश के दो ऐसे डिस्ट्रिक्ट से कौन से, शिवपुरी और सोएपुर, सोएपुर डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे 11 अगस्त को पेपर नहीं हुआ था, ठीक है बच्चों, ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत ही
ऑफिशियली अपडेट है, ठीक है। ये अगर आप समझ गए तो आपका रिजल्ट को लेकर कोई भी झंझट नहीं रहने वाला, ठीक है बच्चों, क्योंकि मैं ऐसी अपडेट लेकर आता ही रहता हूँ, तो आपको करना कुछ नहीं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। अब देखिए 11 अगस्त को सभी का पेपर नहीं हुआ था, दो डिस्ट्रिक्ट ऐसे रह गए थे जहाँ पे 11 अगस्त को पेपर नहीं हुआ था। अब उनका पेपर कब हो रहा है, 26 सितंबर को हो रहा है। कब को हो रहा है, 26 सितंबर को, 26/9/2021 को हो रहा है बच्चों। अब नवोदय विद्यालय जो ऑफिशियल अपडेट आया, उन्होंने उसमें बोला था कि इस जो एग्जाम होने वाला है 26 सितंबर को सोयपुर और सिपरी डिस्ट्रिक्ट में मध्य प्रदेश स्टेट के, उससे पहले आप सभी का जो रिजल्ट है बच्चों जारी कर दिया जाएगा। जो फाइनल रिजल्ट है ना नवोदय विद्यालय कक्षा 6 का, वो उससे पहले ही जारी कर दिया जाएगा, उन्होंने ऑफिशियली बताया। अब देखिए जान लेते हैं जो नवोदय विद्यालय का रिजल्ट है बच्चों कब जारी किया जाएगा, मतलब 21 से 25 सितंबर के बीच में आप सभी का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। अब बच्चों को डाउट हो रहा होगा सर मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं, तो बच्चों आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप हमारे यूट्यूब चैनल से अजय विद्यागम से जुड़ जाइए, क्योंकि नवोदय विद्यालय का रिजल्ट जब भी जारी होगा सबसे पहले आपको अपडेट प्रोवाइड करेंगे। और अगर आपको जानना है कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं नवोदय विद्यालय में, तो आपको करना कुछ नहीं है, हमारे यूट्यूब चैनल के इस वीडियो के नीचे कमेंट करना, अपने मार्क्स रोल नंबर लिख देना अपना, ठीक है। रोल नंबर लिख दोगे तो नवोदय विद्यालय का रिजल्ट जब भी जारी होगा हमारे चैनल पर बता दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं जो नोटिफिकेशन है वो किस तरह का नोटिफिकेशन है। अब देखिए इस प्रकार का नोटिफिकेशन आएगा आपके पास, ठीक है, जवाहर नवोदय विद्यालय सिमति की तरफ से इस तरह का आता है, ठीक है। अब इस नोटिफिकेशन में क्या बताया था आपकी बार, ठीक है बच्चों दिखा देता हूं। इन्होंने बताया था कि जो नवोदय विद्यालय 11 अगस्त को पेपर हुआ है ना, 11 अगस्त को पेपर हुआ है, उसका रिजल्ट 25 सितंबर को आ जाएगा, ठीक है, मतलब 25 सितंबर से पहले पहले आ जाएगा। अब 25 सितंबर से पहले पहले क्यों होगा, उसका भी रीजन मैंने बता दिया, क्योंकि जो 26 सितंबर को पेपर होने वाला है ना आप सभी का, उससे पहले पहले आप सभी का जो कक्षा 6 का रिजल्ट है बच्चों जारी कर दिया जाएगा। और उन्होंने इस नोटिफिकेशन में ये भी कहा है कि अगर 25 सितंबर को रिजल्ट जारी नहीं होता है, तो बच्चों जो 26 सितंबर को और 11 अगस्त के पेपर का रिजल्ट दोनों का साथ साथ में जारी होगा, वो कब जारी होगा, 15 अक्टूबर तक जारी हो जाएगा। तो बच्चों आपको ये नोटिफिकेशन, ये जानकारी कैसी लगी आपको, प्लीज़ मुझे बताना जरूर, ठीक है। और वीडियो को लाइक जरूर करना है, क्योंकि आपके लिए इतनी ज़्यादा मेहनत से हम वीडियो बनाते हैं और आपको अच्छी जानकारी देते हैं, तो उसके लिए एक लाइक तो बनता है बच्चों, एक लाइक प्लीज़ कर दीजिएगा जरूर, ठीक है। आप देखिए अगर आपका कोई भी डाउट हो इससे रिलेटेड, ठीक है, आप देखिए रिजल्ट को लेकर आपका कोई भी डाउट नहीं रहा होगा, मैं आपसे वादा करता हूँ रिजल्ट को लेकर आपका कोई भी डाउट नहीं रहा होगा, ठीक है। मैंने बता दिया 21 से 25 सितंबर के बीच में आपका रिजल्ट रहेगा, क्यों आएगा, क्योंकि 26 सितंबर को पेपर होने वाला है नवोदय विद्यालय कक्षा 6 का मध्य प्रदेश स्टेट के सोयपुर और शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में, उससे पहले ही आप सभी का रिजल्ट जारी हो जाएगा। नोटिफिकेशन भी दिखा दिया, ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी दिखा दिया, अब बच्चों क्या चाहिए आपको, इससे ज़्यादा क्या चाहिए। और ऐसी अच्छी जानकारी के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए, और नवोदय विद्यालय का रिजल्ट जब भी आएगा हमारे यूट्यूब चैनल पर सबसे पहले आपको बताया जाएगा कि बच्चों नवोदय विद्यालय कक्षा 6 का रिजल्ट आ चुका है, आप जाके चेक कर लीजिए, सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल पर भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो बच्चों करना कुछ नहीं है, नवोदय विद्यालय से रिलेटेड हर एक जानकारी के लिए, चाहे वो कोचिंग के रिगार्डिंग हो, चाहे बेस्ट बुक हो, चाहे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, कैसे पेपर पास करना है, कोचिंग के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो बच्चों अजय विद्यागम यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए, आपकी बात नवोदय पार। तो बच्चों आज के वीडियो में बस इतना ही, नवोदय विद्यालय के रिजल्ट को लेकर आप सभी के जो डाउट हैं बच्चों मैंने क्लियर कर दिए एक ही वीडियो में। अगर आपको इसके रिगार्डिंग और भी वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट कीजिएगा, जो भी आपका डाउट है मुझे कमेंट कीजिएगा बच्चों, ठीक है। आप देखिए नवोदय विद्यालय का जो रिजल्ट है मेनली 2 महीने के अंदर आता है, अब की बार ऐसा है, देखिए सीन कुछ ऐसा है कि आपका 15 अक्टूबर से 20 अक्टूबर के बीच में भी रिजल्ट आ सकता है, ठीक है, ये भी है, ठीक है, क्योंकि अगर आप 11-25 सितंबर को रिजल्ट नहीं आता है, 25 सितंबर से पहले पहले रिजल्ट आपका नहीं आता है, तो बच्चों जो 26 सितंबर को पेपर होने वाला है और 11 अगस्त का जो पेपर हुआ था और जो नहीं हुआ है भी होने वाला है, उन दोनों का रिजल्ट मिक्स होकर आएगा, मतलब दोनों का रिजल्ट साथ आएगा। तो साथ साथ कब आएगा, अक्टूबर में। तो बच्चों यही आपको डाउट क्लियर करना, आपका इतना बड़ा डाउट था ना नवोदय विद्यालय के रिजल्ट को लेकर, तो बच्चों आई होप आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा। प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर देना बच्चों, आपके लिए इतनी ज़्यादा मेहनत से हम वीडियो बनाते हैं और इस वीडियो को आपके लिए ही हमने बनाया है, ठीक है बिल्कुल, क्योंकि बच्चों को नवोदय विद्यालय रिजल्ट का इंतजार था, बेसब्री से इंतजार था सभी बच्चों को, ठीक है। तो बस इंतजार की घड़ियाँ खत्म हो चुकी हैं बच्चों,